हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको पांच कुछ ऐसी मिस्टेक बताएंगे जिससे कि आप जब भी गाड़ी में तेल डलवाते हैं, एक फोर व्हीलर, चार पहिए की गाड़ी या फिर बड़ी गाड़ी, जब भी कोई तेल डलवाते हैं आप पंप पर, तो आप क्या पांच ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण आपका तेल जो है शॉर्ट होता है, कम होता है, किस कारण से होता है, वो सभी चीज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको एक एक करके सभी नॉलेज फुल बातें बताऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा देना, एक छोटी सी घंटी होती है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप भी उनसे जो है रूबरू हो सके, कुछ उनसे सीख सके, कुछ आपको नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहली बात, अगर आप डीजल डलवाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं चार पहिए की गाड़ी में, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, पंप पे अगर आप जाओगे सीधा जाए गाड़ी खड़ी की, अब बहुत से इतना आलकस होता है उनके अंदर कि वो गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते। गाड़ी में बैठे बैठे बोल देंगे भाई 1000 का डाल दे, 2000 का डाल दे। सबसे बड़ी गलती तो वो जो ड्राइवर होते हैं वो यहाँ पे करते हैं, खासकर छोटी गाड़ी वाले। विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए आज के टाइम में। अगला बंदा चाहे 10 साल से नौकरी करे, चाहे 20 साल से, क्या पता कैसा क्या करता है, कोई नया आ गया हो, तो विश्वास किसी पे किया नहीं जा सकता। गाड़ी से नीचे उतरिए, वहां पे जाइए और वहां पे ये देखिए कि मीटर में जीरो है या नहीं है। जीरो देखने के बाद आपको हमेशा तेल किस तरीके से डलवाना है, हमेशा तेल आपको डलवाना है या तो लीटर में या फिर फुल टंकी करवाए। फुल टंकी आप जब भी करवाते हो तो उसमें 100% ये चांस रहते हैं कि कोई भी टाका आपका नहीं लग पाता है। अगर आप 1000 का, 2000 का, 500 का, 100 रुपए का इस तरीके का तेल डलवाते हैं तो उसमें कुछ आपका नुकसान होता है। वो किस तरीके से होता है, क्योंकि इन सब चीजों से कुछ अलग ही एस्टिमेट बैठता है। 1000 का, 500 का ऐसा तेल नहीं डलवाना चाहिए आपको कभी भी, हमेशा डलवाए लीटर में या फुल टंकी करवाए। ये दो तीन बातें होंगी। और अब बात आती है कि मान लीजिए आपने तेल, जब तेल डल रहा है आपका अपनी गाड़ी में, जब तेल डलता है तो जब भी नोजल आपकी कट मारती है ना, जब तेल पूरा होने पर आता है तो एक बार कट जरूर मारती है नोजल तेल वाली। जब तेल डलता तो जब नोजल कट मारती है तो उसको एक दो सेकंड तक वहीं पर रखे रहने दीजिए, उस तेल के अंदर जो टंकी होती है उसके अंदर रहने, क्योंकि जो पाइप में ऑयल होता है, तेल होता है, वो उसके अंदर जा सके, 100-200 ml उसमें बचता है। अब एक और बात आती है कि बहुत से पंप ऐसे होते हैं जहां पे फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है सब कुछ। भाई आप तेल डलवाने गए और फिर उसके बाद कोई आप पंप का आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और आपको बातों में लगा देता है, तो आप वहां पे रिश्तेदारी नहीं बनाने गए, ना ही आपको कुछ बात करना, बस 5 या 10 मिनट मिलते हैं आपको तेल डलवाने के लिए, तो उसमें आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात ना करें जो आपका ध्यान किसी और तरफ खींचे। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी से बात वगैरह कुछ ना करें, अपने मीटर पे ध्यान दे, नोजल पे ध्यान दे, और उस जो तेल डालने वाला सेलमैन है उसको बोल दे कि आप एक बार इसको नोजल को डालकर जितना तेल होना, जब कट पूरा फ्यूल हमारा हो जाता है गाड़ी में, उसके बाद इसको निकाले और वहां से आप जो है हाथ को हटा ले। नंबर ये बात होगी। अब बात आती है चार नंबर पर बात, कि जब भी बहुत गंदी आदत ये होती है कि नवाब की तरह कह देते हैं कि शीशा भी नहीं उतर, शीशा उतारा गाड़ी में से 1000 का डाल दे, अरे उसको देख तो ले कि वो कितनी, क्या पता 100-200 पैसे ही वहीं से चालू कर दी, इतने देर कहाँ लगती है, आप भी समझदार हो। तो ये कुछ बातें हैं, ये कॉमन सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं ये, और ये छोटी छोटी बातें ही आपको बहुत नुकसान। आपने मान लीजिए पूरे दिन में 300 रुपये कमाए और 100 रुपये का तेल डलवाया, उसमें से आपका 70 रुपये का तेल आया, तो 30 रुपये आपका कितना नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है आपका 30 रुपये में। तो इन छोटी छोटी बातों को समझे, और मैंने ये पांच बातें आपको बताई हैं, तो इनको फॉलो करें, आपके जीवन में कभी भी तेल डलवाते समय कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।